तो बच्चे लोग सभी कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? लखनऊ से। तो कैसा लगा आपको चंपावत? अच्छा लगा। तो यहाँ पे आए हुए थे, देखिए फोटो भी ले रहे हैं, है ना, बहुत सुंदर। और नींबू के पेड़ में के पास में फोटो बहुत खूबसूरत आता है, क्योंकि सगा फिर से। और नहीं तो मैं चाय बनाती हूँ, चाय पी के जाइए। ठीक है, अच्छा, ठीक है बेटा। हाँ बाय बेटा, बाय। तो कुछ बच्चे यहाँ पे घूमने आए थे, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था। और ये दो छोटे छोटे से अंशु और हर्षित दोनों आ गए थे, तो इनके साथ भी करी खूब मस्ती। और उसके बाद मैं लग गई थी अपने किचन में कुछ हैदराबादी पनीर बनाने के लिए, जिसकी डिश मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए मैंने ले लिया है पनीर, और ये पनीर ना मेरा घर का बना हुआ है, तो थोड़ा सा शेप इसका अलग ही आ रहा है, लेकिन घर का बना पनीर ना सच में बहुत टेस्टी बनता है। और अब मैंने इसे अलट पलट के सेक लिया है, देखिए कितना सुनहरा कलर आ गया है। और डाला है गर्म पानी में नमक और हल्दी, तो उसमें पनीर को थोड़ी देर रखा है। इससे क्या होता है ना, पनीर सॉफ्ट रहता है और जितना भी ऑयल होता है वो सब निकल जाता है। इधर मैंने कढ़ाई में ले लिया है तेल, उसमें डालेंगे मोटा कटा हुआ प्याज। और इसको भी मैंने दो प्याज लिए हैं, काफ़ी हैं इतने, और इन्हें अच्छे से, वो ग्रेवी आपको कितनी बनानी है वो उस हिसाब से आप प्याज लीजिए। और लहसुन डालिए बहुत सारा, लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मेरा लहसुन कुछ जम चुका है, लेकिन टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं है। इधर ले लेंगे हम कुछ हरे पत्ते, पुदीना, धनिया और पालक के पत्ते। अब देखिए हम प्याज भून चुका है, इसमें डालेंगे काजू। काजू अपने हिसाब से डालिए, जितना आपको कम ज़्यादा पसंद हो। अब ले लेते हैं मिक्सी का जार, उसमें हम ये जो मसाला हमने भुना है इसको थोड़ा कर लेंगे ठंडा, और उसके बाद मिक्सी के जार में डालेंगे। साथ में डालेंगे पुदीना, धनिया और पालक के पत्ते, और डाल देंगे इसमें दो हरी मिर्च, और थोड़ा पानी डाल के इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे, जिसमें कि ये सब चीज़ें अच्छे से पिस जाएंगी। तो देखिए बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनता है। और ये जो मसाला बन रहा है ना, लगभग बिरयानी का जैसा मसाला आ रहा है, तो टेस्ट कुछ कुछ हैदराबादी बिरयानी का भी इस तरह का ही होता है। और इधर मसाला पीस लिया है, अब ले ली कढ़ाई में तेल, और उसमें डाल दिया है दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दो लौंग, और एक डाला है तेज पत्ता। अब इसके साथ मसाले को, इसे भी मसाले को अच्छे से हम भून लेंगे। तो देखिए ये कितने अच्छे से भून रहा है। तो इसे पकाना जरूरी है, भुनना यानी कि जरूरी है, जिससे कि इसका टेस्ट और अच्छा आएगा। अब लीजिए जी, हमारा मसाला तो भुन चुका है, इसका कितना खूबसूरत कलर भी आ गया है। अब इसमें डाल देंगे हम हल्दी, धनिया, जीरा, और थोड़ी डालेंगे लाल मिर्च, और थोड़ा सा डाल देंगे इसमें गरम मसाला। उसके साथ डालेंगे टेस्ट के अनुसार नमक, नमक अपने स्वाद के अनुसार आप डालिएगा, और इसे अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। जैसे ही ये सारे मसाले भून जाएंगे ना, तो इसका कलर कुछ अलग सा आ जाएगा। तो देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आया है, मसाला भून चुका है। इधर गर्म पानी लिया है, ठंडा पानी बिल्कुल मत पीजिए। इसमें डालेंगे हम गर्म पानी और इसे अच्छे से करेंगे मिक्स। तो लीजिए जी, हमारी ग्रेवी तो हो गई है तैयार। ग्रेवी जितनी बनानी है आपको उस हिसाब से आप पानी डालिए और इसे अच्छे से पकने दीजिए। तो ये मसाला पक चुका है हमारा, ग्रेवी हमारी बन चुकी है। इसमें डालेंगे ये पनीर जो हमने गर्म पानी में डाल रखा था, और पनीर डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ी सी देर के लिए इसे और पका लेंगे, ताकि और टेस्ट आ जाए ग्रेवी में। फिर डाल देंगे स्वाद का खजाना, कसूरी मेथी मसल के डालेंगे, जिससे इसका स्वाद और दुगना आ जाएगा। अब लीजिए जी, हमारी कसूरी मेथी भी मिक्स हो चुकी है। अब इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे क्रीम, मलाई, जो भी आपके पास है, तो एक चम्मच आप डालिए। तो इस, ये ना इस डिश को ना और रिच बना देती है, बहुत टेस्टी बनता है, बहुत अच्छा इसका स्वाद आता है। तो ये हमारा हो गया है रेडी। अब हम ले लेंगे एक, मैंने लिया डोंगा, उसमें मैंने इसे खाली कर दिया था। दो मैंने लाल मिर्चें भुनी हैं, तो उन्हें मैंने ऊपर से रगा दिया, और डाल दिया ढेर सारा हरा धनिया, और थोड़ा सा ऊपर से क्रीम डाली है, और थोड़ा सा मैंने तेल गरम करके उसके ऊपर कश्मीरी लाल मिर्च को डाला, और देखिए उसके ऊपर से मैंने डाल दी थोड़ी सी ये कश्मीरी लाल मिर्च वाला तेल। तो बहुत सुंदर लग रहा था, टेस्टी भी बहुत था। बनाइएगा, खाइएगा और बताइएगा कैसा बना था। नमस्कार दोस्तों, मैं निशी बोरा चंपावत की हसीन खूबसूरत वादियों से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज थोड़ा तबीयत सही नहीं है, तो दिखाने के लिए जा रहे हैं राहुल और मैं लोहाघाट। तो चलते हैं हम लोग लोहाघाट की तरफ।
की हालत हो रही है बहुत ज़्यादा ख़राब, और बहुत हवा चल रही है, और गाड़ी में तो वैसे भी बहुत हवा चलती है, फिर वही रोड बहुत ख़राब हो रही है। नहीं बहुत खूबसूरत यहाँ से ये व्यू पॉइंट है, देखिए पूरा चंपावत दिख रहा है इधर से, और ये मानेसर से पहले है तो बहुत खूबसूरत नज़ारा। गए लोहाघाट, और रास्ते में ना बहुत ज़्यादा ठंड थी क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही थी, तो चलते हैं डॉक्टर के पास। अब दिखा लिया है और चलते हैं घर को, और शाम भी बहुत हो गई, अंधेरा हो गया है, और चलते हैं घर को। चले रोहित, चलो फिर।